श्रीकांत, रिलायंस इंडस्ट्रीज जबरदस्त तेजी, 65 रुपए आज ही, लेकिन अगर आप देखें 2500 वाला पड़ाव क्रॉस करके आगे बढ़ा है, क्या अभी 2700 या ऊपर के लेवल्स पे जा रहा है? क्या चार्ट्स कह रहे हैं इसके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो देखिए, अगर मार्केट को देखें तो इस मार्केट में जहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स की एक वापस हम कह सकते हैं कि रैली हमें देखने मिल रही है, और अगर जब मार्केट ने इतने बड़े इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को 17-18 महीने के बाद क्रॉस किया है, तो इट इज लाइक वेरी क्लियर कि अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस में अगर तेजी ना आए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर ओवरऑल चार्ट को देखे या प्राइस पैटर्न को देखे तो उसमें एक बात समझ में आती है कि इसमें काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था और उसका फाइनली जो ब्रेकआउट हुआ वो अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें तो लगता है कि इनफैक्ट ये अपने फेयर वैल्यू को रीच कर सकता है, क्योंकि FI की खरीदारी जो चल रही है वो काफी जोर से मार्केट में है। और अगर जब FIs अगर खरीदने आते हैं तो सबसे पहले वो उन स्टॉक्स को खरीदते हैं जहां पे उनको करंट लेवल से भी फेयर वैल्यू के बेसिस पे अपसाइड क्लियरली नजर आता है। तो रिलायंस अगर देखें तो कंसेंसस बाइज में अगर आप देखें तो 2800 से लेकर 3000 के टारगेट सभी को नजर आते हैं। हमें लगता है कि टेक्निकली ऑल्सो 2800 2850 के लेवल्स ये इवेंचुअली दर्ज करेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2660 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर करंट लेवल से खरीदना है तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो तकरीबन रखना पड़ेगा एट 2590। तो 2590 का स्टॉप लॉस रखे करंट लेवल से भी रिलायंस को खरीदे, और टारगेट्स 2660 के हैं। इवेंचुअली हमें लगता है कि 2800 2850 के टारगेट्स रजिस्टर करेगा। ठीक है।